जैसा कि लाइव टुडे न्यूज के दर्शक जानते हैं कि हम आपसे ऐसे अफसरों को रूबरू कराते रहते हैं जिनकी अपने संबंधित जनपद में लाजवाब, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार छवि होती है, जो निर्भीक कर बिना किसी दबाव व भेदभाव के पीड़ितों को इंसाफ देते हैं। आज इसी कड़ी में लाइव टुडे न्यूज टीम ने जिला मुजफ्फरनगर के नगर क्षेत्र अधिकारी कुलदीप कुमार से मुलाकात कर उनसे कानून व्यवस्था और चुनाव संबंधित बातचीत की, जिसमें सीओ सिटी कुलदीप कुमार ने बड़ी बेबाकी के साथ हर सवाल का जवाब दिया। कहा कि हमारा लक्ष्य विधानसभा का चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराना है, जिसमें वोटर बिना किसी डर के अपने मत का प्रयोग कर सकें। किसी भी कीमत पर किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी व दबंग किस्म के लोगों को जेल भेज दिया जाएगा और हर कीमत पर शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इस पे जो माननीय चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनको अक्षर से उनके हम लोग पालन करते हैं जी। और उसी जो उनके निर्देश हैं उसी के निर्देश में जो चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उन्हीं निर्देशों के अनुपालन में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है जी। सर देखने में आया सर आप आपके बारे में और जनता के भी है कि आप बिना भेदभाव के बिना दबाव के कार्य करते हैं, तो ये जो सर ऊर्जा आपको प्राप्त होती है इसका क्या क्षेत्र? देखिए जब आप अगर आप सच के साथ हैं तो निश्चित रूप से आपको एनर्जी मिलेगी और अगर आप सच्चाई के साथ हैं तो आप किसी भी ताकत से चाहे वो कैसी भी है आप लड़ सकते हैं। और मैं समझता हूँ अगर हम सच के साथ और अपनी ईमानदारी से अपना जो काम है हमारा वो हम करेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा वही काम रहता है। अगर हम पार्शियलिटी करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से व्यक्ति जो है उसमें भेदभाव का आरोप भी लगेगा। और एक पुलिस अच्छे पुलिस अधिकारी को मैं समझता हूँ कि निष्पक्ष ही रहना चाहिए और हमारे लिए सब बराबर है। जो चूंकि इस समय चुनाव का समय है तो जो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से और शांतिपूर्वक तरीके से ही हम अपना इलेक्शन का काम करेंगे। सर मैं आपसे जो हमारी जिले की जनता है वो आपसे जानना चाहती है, क्या आप उन्हें संदेश देना चाहते हैं अपनी ओर से? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं ये संदेश जरूर देना चाहूंगा कि जो हमारे नए मतदाता हैं जो प्रथम बार जो मतदान करने जा रहे हैं या पुराने लोग भी जो पहले से जो मतदान करते आ रहे हैं, मेरा यही अनुरोध है कि सभी लोग, चूंकि जो मतदान है ये एक बहुत बड़ा पर्व है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैं समझता हूँ 100% लोगों की इसमें सहभागिता होनी चाहिए, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, मेरा अनुरोध ये है। और बीच बीच में इलेक्शन कमीशन के भी माननीय चुनाव आयोग के भी निर्देश रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। और इस बार तो माननीय चुनाव आयोग ने व्यवस्था भी की है, यदि कोई व्यक्ति बहुत गंभीर बीमार है, बहुत एजड है तो उनके घर जाकर भी उनका मतदान कराया जाएगा। तो ऐसी उसमें मैं मेरा जो आप लोगों से के माध्यम से तमाम लोगों को, तमाम अपनी जनता को ये एक संदेश देना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और जो देश का महापर्व होता है उसमें आप जो है अपनी सहभागिता पेश करें। लाइव टुडे चैनल को वक्त देने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे यहाँ के लोकप्रिय ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी श्री सीओ सिटी कुलदीप कुमार साहब, इन्होंने अपनी पूरी जानकारी हमारे चैनल को दी और हमें सबने कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। राशिद खान कैमरामैन के साथ, डॉक्टर आरिफ खान उत्तर प्रदेश प्रभारी, लाइव।